गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर असिस्टेंट टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जमशेदपुर, इसके बारे में पढ़ रहे थे अपन, पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 पे सेकेंड पैराग्राफ, निकाल लिया आप लोगों ने? पेज नंबर 55 पे सेकंड पैराग्राफ देखो। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेट अप आफ्टर टिस्को। टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और इस कंपनी के बाद में जमशेदपुर के अंदर कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन की गई जो कि आयरन और स्टील से कनेक्टेड है। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। मीन्स जितने भी, जैसे कि कोई गाड़ी के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। इंडस्ट्रील में जो भी मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती है वो भी किससे बनी हुई होती है? मशीन से बनी, आयरन से बनी हुई होती है, स्टील से बनी हुई होती है। तो इसी तरीके से एक इंडस्ट्रीज से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओपन की गई, कहाँ? जमशेदपुर में। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि ये जो डेवलपमेंट हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, इससे कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हुई और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंट्री के अंदर कंटिन्यू बढ़ता गया। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंडिया के अंदर जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं, अदर इंडस्ट्रीज जो ओपन की गई हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, वो स्ट्रक्चर भी आयरन और स्टील के ऊपर ही बेस्ड होता है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स। के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मेनली किसके ऊपर? लार्ज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड होती है। और किसके ऊपर चलाई जाती है? स्टील प्लांट्स के ऊपर उसको बेस किया गया है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल एंसिलरी इंडस्ट्रीज। रोलिंग और एंसिलरी इंडस्ट्रीज मीन्स उनसे ही बनने वाली, यानी कि उसी के ही उसको सपोर्ट करने वाली, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाली अदर इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो ओपन की गई जमशेदपुर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है आपका पिट्सबर्ग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिट्सबर्ग जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जहाँ पर स्टील सिटी, जिसके नाम स्टील सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस, सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। कि यहाँ पर जो कोल है वो इजीली अवेलेबल होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइन एट माइनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पीटर्सबर्ग, यानी कि जो कि पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है एक माइनेसोटा जहां पर आयरन माइंस जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। बिटवीन दीज माइन द पीटर्सबर्ग इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग वन चीपली। यानी कि जहां पर पीटर्सबर्ग, जहां पर इंडस्ट्री लगाई गई है आयरन और स्टील की, वहां पे क्या है ये शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीपली, यानी कि शिपिंग का जो काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, जो व्यापार किए जाते हैं यहाँ से, वो काम यहाँ से बहुत सस्ता होता है। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज। क्यों क्यों सस्ता होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी लेक है? ग्रेट लेक है, ठीक है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स ऑफ द पीटर्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन्स है वो क्या करते हैं, यहाँ से जितने भी आयरन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको कैरी करके ट्रेन्स के रूट से ले जाया जाता है। द ओहियो, द मोंगेया एंड एलिगेनी रिवर प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई। और इन रिवर से यहाँ पर वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटर्सबर्ग इटसेल्फ। कि बहुत स्टील मिल्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ यूएसए में प्रेजेंट है।
They are located in the valleys of the Mongela and Allegheny River above Petersburg and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. कि mostly जो rivers यहाँ present है उन rivers से यहाँ पे iron और steel जो है उनका trade किया जाता है, ठीक है, बहुत cheaply trade जो है वो यहाँ possible है. उसके साथ साथ जो यहाँ transportation होता है steel का, स्टील का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो लैंड और वाटर सप्लाईज के द्वारा ज़्यादा किया जाता है. द पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स. स्टील मिल्स के अलावा भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं पीटर्सबर्ग में. दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट. यानी कि स्टील का यूज़ किया जाता है अलग अलग रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स. यानी कि रेल से जो रिलेटेड जो भी मशीन्स जो यूज की जाती है वो सारी किससे बनी होती है, स्टील से बनी होती है. नेक्स्ट आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लोथ बनाया जाता है, जो कपड़ा बनाया जाता है वो किससे बनता है, यार्न से बनता है. यार्न मीन्स धागा जो होता है, धागे से बनाया जाता है. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ. और क्लोथ बनाने के लिए कौन कौन से यार्न यूज किए जाते हैं, कॉटन के, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये सारे यूज किए जाते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रॉ मटेरियल के बेस्ड पर देखते हैं. तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए. किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें पहले उनको मिलती है उसको बनाने के लिए, जैसे कि सपोज़ आपको कपड़ा बनाना है तो उसके लिए जो आपको कॉटन मिलेगा वो क्या बनेगा, आपका रॉ मटेरियल. शुगर इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, शुगर कैन होता है. तो ये बेसिक रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले जो है फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए फाइबर क्या है, एक रॉ मटेरियल है. ठीक है, फाइबर क्या है, एक रॉ मटेरियल हो गया जिससे क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वूल से, सिल्क से, कॉटन, लिनन एंड जूट. यानी कि कॉटन, सिल्क, जूट, लिनन जो होते हैं इन सब से क्या बनेगा, क्लोथ्स बनेंगे. मैनमेड फाइबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक एंड रेयन. ये सब क्या है, मैनमेड. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं और मैनमेड फाइबर्स कौन से हैं. नेचुरल फाइबर में आपका आता है वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. और जो मैनमेड फाइबर्स हैं वो होते हैं आपके नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक और रेयन. ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके मैनमेड फाइबर्स हैं. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कहलाती है. यानी कि कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत पुरानी है. टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक. पहले आप लोगों ने देखा है ना, गांधी जी जो वो चरखा चलाते थे तो उस चरखे से क्या बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था कॉटन से. तो ये जो स्पिनिंग का काम है, ये टेक्निक जो है ये बहुत पुरानी है. यानी कि 18th सेंचुरी से पहले से ही क्या है, ये सारी चीज़ें चलती आ रही है. व्हील्स एंड लूम्स. इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. धीरे धीरे ये जो धागा बनाने की चीज़ें हैं ये किससे बनने लग गई, मशीन से. नहीं तो पहले किससे बनता था, हैंडलूम से बनता था, हाथों से ही लोग धागा बनाते थे, उसी से कपड़ा बनाते थे, है ना. ये सारी चीज़ें किससे बनने लग गई, आफ्टर 18th सेंचुरी ऑल आर मेड बाई मशीन्स.
फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो पावर लूम डेवलप किया गया फॉर द कॉटन क्लोथ, ये फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप की गई कहाँ? ब्रिटेन के अंदर, और उसके बाद में वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी इसका डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि टुडे चाइना, जापान, यूएसए आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडिया, जापान, चाइना और यूएसए के साथ साथ अदर कंट्रीज, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं उनमें भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप की गई। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया जो है ये एक ट्रेडिशन चलता रहे कि जो कॉटन है वो यहाँ बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लोथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। यानी कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले भी यहाँ पर क्या होता था, हाथों से जो कपड़ा बनाया जाता था उसका भी बहुत अच्छा मार्केट था, यानी कि सभी लोग जो थे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। द मसलिन ऑफ ढाका, चेन्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकस ऑफ कैलीकट एंड गोल्ड ब्रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। यानी कि ये जो देखो ये नाम दिए गए ना, ये कपड़े का नाम है कि इस नाम से कपड़ा जो है वो सेल किया जाता था यहाँ मार्केट में। मसलिन ढाका का, मसूलीपट्टनम का चीन्स, कैलीकट किसको कहा गया है, कैलकटा को, पहले क्या कहा जाता था, कैलीकट कहा जाता था इसे, तो यहाँ के कैलिकोज, और गोल्ड ब्रॉट था कहाँ का, बुरहानपुर का, सूरत और वडोदरा जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इसकी क्वालिटी, जो कपड़े की जो क्वालिटी होती है और उसकी डिज़ाइन के लिए क्या है, फेमस है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन जो ये प्रोडक्शन होता है, जो कॉटन टेक्सटाइल को जो हाथों से जो काम किया जाता था कपड़ा बनाने का, उससे क्या होता था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, है ना, और टाइम लगने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता था। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा होता था। हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मील ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मशीन्स इंडस्ट्रियल यूनिट। लेकिन उस टाइम पर जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई उससे क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन सा सेट हो गया कि जो उस कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए यहाँ पे भी क्या होने लग गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया, जो लोग जो कारीगर हाथ से काम करते थे उनकी जगह मशीन्स को यूज़ किया गया ताकि उस कॉम्पिटिशन में भी लोग क्या कर सकें, हिस्सा ले सकें, उस कॉम्पिटिशन का एक हिस्सा बन सके। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मील वॉज एस्टैब्लिश, यानी कि फर्स्ट टेक्सटाइल मील जो एस्टैब्लिश की गई थी वो कहाँ की गई थी, मुंबई में इन 1854। इसको आप अंडरलाइन करो कि फर्स्ट टेक्सटाइल मील जो है वो मुंबई में 1854 में एस्टैब्लिश की गई। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, ए पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द रीजन। कि यहाँ पर मुंबई के अंदर 1854 में जो इंडस्ट्री डेवलप की गई उसके बाद में शिवम और माधव आप लोग को अगर चैट करना है तो आपस में फ़ोन करके भी बात कर सकते हो आप। क्लास ले रहे हो या आपस में बातें कर रहे हो दोनों? सो इंडस्ट्रीज मोस्टली डेवलप की गई मुंबई के अंदर, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या था, एक तो वहाँ का क्लाइमेट जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, उसके साथ साथ वहाँ स्किल लेबर थे, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, और यहाँ पर जो इम्पोर्ट किए जाते थे, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जाती थी उसके लिए पोर्ट्स अवेलेबल थे, इसी कारण यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई इंडस्ट्रीज। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा था, ह्यूमिड था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कि पहले
सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये पॉसिबल था, लेकिन अब क्या है, नेचुरल जो चीज़ें कॉटन के लिए सपोर्टिव हैं, वो सारी चीज़ें जब नेचुरली लोगों को अवेलेबल मिल होने लगी, तो उससे क्या होने लग गया कि इसको इंडिया के अदर पार्ट्स में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। ये अदर्स इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। सो नेक्स्ट आता है आपका अहमदाबाद, कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल है ये कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरिस्ट हैं। तो सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बेसिस ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, कि अहमदाबाद जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर और साबरमती रिवर के पास। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। 1859 में अहमदाबाद के अंदर फर्स्ट जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश किया गया। एंड द सेकेंड, इट सोन बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, और जल्द ही क्या बन गया, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया इंडिया के अंदर आफ्टर मुंबई। फर्स्ट प्रोड्यूसर हो गया आपका मुंबई और सेकेंड हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद वॉज देयर फोर ऑफन रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया किसको, अहमदाबाद को। इसको अंडरलाइन कर लो, जैसे मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर, किसको माना जाता है, भीलवाड़ा को माना जाता है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर अहमदाबाद को माना जाता है क्या, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप की गई है उसके पीछे मेन फैक्टर क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो रॉ मटेरियल है और यहाँ का क्लाइमेट है, इजीली पोर्ट्स अवेलेबल हैं, चीप लेबर हैं, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है कि अहमदाबाद के अंदर ये सारी चीज़ें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करती हैं। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कहाँ सिचुएटेड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। दिस एंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, द क्लाइमेट इज आइडल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबल ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल। वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि जो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, उसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो भी सपोर्टिव है किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल एंड सेमी स्किल्ड लेबर, कि यहाँ पर जो लेबर अवेलेबल है वो स्किल भी है और नॉन स्किल भी है। स्किल मीन्स जो कारीगर होते हैं किसी काम में परफेक्ट होते हैं, और नॉन स्किल जो सिर्फ मजदूरी का काम कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह के अवेलेबल हैं यहाँ पर लेबर, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ लेबर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के अदर पार्ट्स में भी अगर टेक्सटाइल को हमें सप्लाई करना है तो यहाँ पर रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट, और कंट्रीज़ के साथ साथ में उन कंट्रीज़ के मार्केट तक भी पहुँचाया जा सकता है। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, की मुंबई पोर्ट जो है वो क्या करती है, जितने भी मशीन्स वगैरह वो इम्पोर्ट कर देती है और वहाँ से कॉटन टेक्सटाइल जो है उसको एक्सपोर्ट कर लिया जाता है। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, सेवरल टेक्सटाइल मिल हैव क्लोज डाउन, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो अब इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों क्रिएट हुई है, कि इसकी जो मशीन्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जो यूज़ की गई थी कॉटन टेक्सटाइल को जो बढ़ा रही थी, वो सब चीज़ें अपग्रेड होने की, मतलब कि अपग्रेड होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी जो है उसी के अकॉर्डिंग न्यू चीज़ें जो है उनको डेवलप करना ज़रूरी है, तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ओसाका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। जैसे कि हम देख रहे थे कि अभी हमने इससे पहले जो इंडस्ट्री पढ़ी थी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, जिसमें हमने एक तो पढ़ा था इंडिया का
और दूसरा हम पढ़ रहे थे फॉरेन कंट्रीज का। उसी तरीके से कॉटन टेक्सटाइल के अंदर एक हमने पढ़ा इंडिया का, जिसमें हमने पढ़ा अहमदाबाद, और दूसरा है आपका ओसाका जो कि जापान जापान में है, एंड ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, यानी कि जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसको बताया जाता है, ओसाका को। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कि जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं कि ओसाका के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको डेवलप किया जा सके। द एक्सट्रीम प्लेन अराउंड ओसाका एंश्योर्ड दैट लैंड वॉज इजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। सबसे मेन रीजन कि लैंड जो है वो इजीली अवेलेबल है ओसाका के अंदर। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सिचुएटेड सुटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, कॉटन की स्पिनिंग और वीविंग, धागा बनाना और बुनना, कपड़ा बनाना, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा सुटेबल है किसके लिए, कॉटन के लिए। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशियंट वाटर फॉर द मिल्स, और मिल्स में जो वाटर अवेलेबल होता है वो कहाँ से होता है, योडो रिवर से। लेबर इजी अवेलेबल, लेबर बहुत इजीली अवेलेबल हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज, इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, कि जो पोर्ट फैसिलिटीज़ है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, वो बहुत अच्छा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल इजीली इम्पोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट की जा सकती है टेक्सटाइल को। एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगवाया जाता है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें जो टेक्सटाइल कपड़ा बनता है, तो जापान जो है वो ऑलरेडी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो वो बाहर से मंगवाता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, कॉटन जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है इजिप्ट के अंदर, फ्रॉम इजिप्ट इंडिया, इंडिया और इजिप्ट से जापान में, चाइना एंड यूएसए, चाइना और यूएसए से। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, कि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस में जो तैयार होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री, एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिटी है कंट्री के अंदर। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई अदर इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट, की अदर इंडस्ट्रीज भी जापान के अंदर डेवलप की गई है ओसाका के अंदर, कि कॉटन के अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन और स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग जिसमें शिप बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट इस बुक के अंदर आपका लास्ट चैप्टर बचेगा ह्यूमन रिसोर्स, है ना, ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर रहेगा। सो सी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट, पेज नंबर 59, टेक आउट पेज नंबर 59। Fort Gloucester is located in, क्या आएगा इसमें, Fort Gloucester is located in, क्रिश, माधव, ऋषि, यस मैडम, क्या आएगा आपके स्टिक द करेक्ट में, फोर्ट ग्लोस्टर इज लोकेटेड इन, फॉरेस्ट ग्लोस्टर, आंसर
मैडम बंगाल बंगाल यस मैडम बाकी बाकी सब नहीं पता क्या ऐसा करना आप लोग एक तो ये टिक द करेक्ट और एक क्वेश्चन नंबर 4 दो दिए हुए हैं ना आपको क्वेश्चन नंबर यस मैम और 4 ये आपको खुद करना है कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर आपको अपनी नोटबुक में करना है ठीक है ओके मैडम आप पीडीएफ भेजोगे क्या मैडम आज हाँ व्हाट इज मैडम को नोटबुक की टाइप जितनी मिल जाएगी नोटबुक आप ले जाना 1 बजे के बाद में 1 बजे बाद ओके मैडम मीन बाय टर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या होती है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री क्या होता है जहां पर हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसका एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंडस्ट्रीज में जिसमें रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं इंडस्ट्री कहते हैं ठीक है विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बताओ बताया ना आप लोगों को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है रॉ मटेरियल लैंड लेबर और क्या क्या हो सकते हैं कैपिटल और बताओ ऋषि मैडम पावर कैपिटल हाँ ट्रांसपोर्ट मार्केट हाँ इतने पता है मैडम इतना ही पता है और मैडम रॉ मटेरियल लैंड वाटर लेबर मार्केट लेबर कैपिटल पावर लैंड एंड ट्रांसपोर्ट ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रीज के लिए विच इंडस्ट्रीज ऑफन रेफर टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई कि मॉडर्न जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसका बैकबोन बताया गया है विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैकबोन अदर इंडस्ट्रीज का जिससे अदर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है किससे डेवलप होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना जो कि बैकबोन होती है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए और अदर इंडस्ट्रीज जो है वो उसी के बेस पर डेवलप होती है ठीक है विच कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई कौन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई के अंदर रैपिडली एक्सपेंड हो रही है मैडम वाटर ह्यूमिड क्लाइमेट पोर्ट मशीनरी नहीं इसमें ये पूछा है कि वाई इंडस्ट्री वहां पर क्यों डेवलप हो रही है ज्यादा तो उसके लिए ये आएगा आपका कि वहां का क्लाइमेट जो वहां के ह्यूमिड अवेलेबल है ह्यूमिड ह्यूमिड क्लाइमेट रॉ मटेरियल वार्म चीप लेबर वार्म चीजें आएंगी इसके अंदर ठीक है ओके मैडम सो आज की क्लास यही ओवर करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में किसी को कुछ पूछना है कोई डाउट है मैडम ये 1 से 4 लेके ये करने क्या क्वेश्चन आंसर 1 से 4 ये क्वेश्चन आंसर आपने आज बताए ये करने क्या फेयर में हाँ बिल्कुल करने हैं आपको फेयर नोटबुक में और टिक द करेक्ट सेकंड वाला और फोर्थ के हाँ ओके मैडम पीडीएफ में वो सारी ही चीजें आ जाएंगी आपको अपने नोटबुक में okay, जो मैंने आपको सेंड कर दिया ओके मैडम ओके मैडम ओके स्टूडेंट्स
थैंक्स मैडम।